नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंज बासोदा तहसील के सिनोटा गांव में अटल ज्योति योजना के तहत जो डीपी लगी हुई है उसमें तार डालकर ग्रामीण अपने खेतों में लगी फसल की सिंचाई के लिए मोटर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार अटल ज्योति योजना की डीपी से खेती के लिए बिजली नहीं ले सकते, लेकिन लाइनमैन की मिली भगत से गांव के कई लोग अपनी खेती की सिंचाई के लिए बिजली का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। डीपी से लगातार मोटरें चल रही हैं, जिसके चलते पूरे गांव में पिछले 3 दिनों से अंधेरा पसरा हुआ है। दरअसल बिजली विभाग के लाइनमैनों की मनमर्जी से ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से भी की, लेकिन गाँव में बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम संजय शुक्ला, ग्राम सन्नोटा का निवासी हूं। अटल ज्योति की डीपी से पूरे गांव की बगैर परमिशन की मोटरें चल रही हैं, जिसमें गांव को सप्लाई नहीं दी जा रही। 2 दिन हो गए, आज पूरा गांव अंधेरे में। हाँ, पूरी लाइन मैनों की मिली भगत से ये काम हो रहे हैं। पूरी पब्लिक परेशान है। पूरी बुशिंग से डोरियाँ डली हैं मोटरों की, गांव की एक भी सप्लाई नहीं दे जा रही। पूरी पब्लिक परेशान है इस वक्त पे। लाइन मैनों से कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं, अधिकारी इनसे बात करो। अधिकारी ने खुद कहा है कि लाइन डरने दो। अब ये तो लाइन मैन जाने, अधिकारी जाने। हाँ, बगैर परमिशन के चल रही, जो कि नियम में, शासन के नियम में अटल ज्योति से कोई भी मोटर नहीं चलाने का आदेश है।